अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सेकंड लेसन के साथ प्रोफेसर आमिर अफजल आपके सामने। इससे पहले हम एक एज डिस्कस कर चुके हैं जो कि पहली थी एंग्लो सैक्सन पीरियड। आज हम इसका सेकंड पीरियड जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज मिडिल इंग्लिश और एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो सैक्सन एज वी स्टडीड लास्ट टाइम, दैट एंग्लो सैक्सन पीरियड वॉज द क्वाइट द वेरी बिगिनिंग पीरियड। It was quite the beginning of the development of language as well as literature. When it develops into the second phase, it becomes Anglo-Norman period. Normans, basically, again, just like Angles and the Saxon tribes, the Normans were also a tribe. This tribe migrated from Normandy, France, and they migrated from France to England. To England islands, and they defeated the Anglo-Saxon tribes. तो जब ये लोग आए इंग्लैंड में, तो जब ये पहुंचे तो बड़ी एक नेचुरल सी बात है, they came up by inheriting their own legacy of French language and culture. Life इनकी भी उसी तरह की थी जैसे हमने Anglo-Saxons को देखा, battles और लड़ाइयाँ, warrior और इनकी जो इनके यहाँ जो लिटरेचर था वो भी इन्हीं चीजों से भरा हुआ था। बट व्हेन दे अराइव्ड टू इंग्लैंड, तो इस इनके अराइवल के बाद जो लिटरेचर था या जो पोएट्री थी उस वक्त लिखी जा रही थी, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आता है, उसमें एक चेंज का पीरियड आता है। क्योंकि इससे पहले जो थी वो एक उनका अपना कल्चर था, उनकी अपनी लैंग्वेज थी जो डेवेलप हो रही थी। अब इसमें एक इन्फ्लुएंस आया फ्रेंच लैंग्वेज का, फ्रेंच कल्चर का, तो ये एक जो थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन आई उस लिटरेचर में। एक वक्त आया विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये लोग आए एंड दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग द लैंड, तो जो एक वक्त आया जब जो पुरानी इंग्लिश थी, द ओल्ड इंग्लिश स्टार्टेड डिसअपीयरिंग एंड इट वाज रिप्लेस्ड बाय अनदर लैंग्वेज व्हिच वाज कॉल्ड एज मिडिल इंग्लिश, व्हिच वाज कॉल्ड एज मिडिल इंग्लिश। और इसमें एक खास जो बड़ा एस्पेक्ट या एक खास कलर मोड था वो था इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश सॉरी जो फ्रेंच लैंग्वेज आहिस्ता आहिस्ता इसमें अपनी इंपॉर्टेंस गेन करती गई, उसने स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग। और एक चीज और रिवाइव हुई, वो थी लैटिन लैंग्वेज, जो कि किसी हद तक इन्फ्लुएंस कम कर चुकी थी, बट विद द अराइवल ऑफ नॉर्मन्स लैटिन लैंग्वेज की जो इंपॉर्टेंस थी वो बढ़ने शुरू हो गई। और एक चीज और बड़ी एक अजीब बात यह है वो इस कल इस दौर के बारे में, इस पीरियड के बारे में, दैट दिस पीरियड अगर आप मुझे कहें या इफ यू स्टार्ट कंसल्टिंग सम बुक्स, तो आपको बहुत सारी जनरल एनोनिमिटी मिलेगी। एनोनिमिटी इन द सेंस कि अगर आपके सामने बुक्स मिलेंगी पोइट्री की उस दौर की, तो आपको मोस्टली नहीं पता चलेगा कि किसकी लिखी हुई है, नेम्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको कोई पोइम मिल भी गई तो उसके ऊपर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये किस पोइट की है। तो ये एक उस पूरे पीरियड की खास बात है। इससे पहले हमने एंग्लो सैक्सन में, मैंने आपको तीन चार नाम बताए थे, बियोवुल्फ एक राइटर, एक बुक थी, और उसके बाद कुछ और लोग और रिलीजियस इन्फ्लुएंस, लेकिन उसमें भी तीन चार नाम है, उससे ज्यादा हमें नहीं पता। बट इसमें लिटरेचर ज्यादा लिखा गया, बट इसमें एनोनिमस राइटिंग ज्यादा है, क्योंकि रिकॉर्ड कीपिंग का शायद इस वक्त इतना ज्यादा रवाज नहीं था। अच्छा, अब आप आ जाए आगे इसमें इस एज के जो कुछ आप कह लें कि जो ट्रेंड्स हैं, क्या लिखा जा रहा था इस एज में। मैंने एज के बारे में थोड़ा सा बताया, नॉर्मन्स के बारे में आपको कुछ बताया, बट इस एज में लिखा क्या जा रहा था। एक तो हम ये पता है हमें कि जो डोमिनेंट जॉनरा थी दैट वाज पोएट्री, तो तीन बड़ी आपको जॉनरा उस पोएट्री के विदिन और जो एक आप कह लो कि किसी हद तक ड्रामेटिक फॉर्म में आपको नजर आती है, उसमें सबसे पहले आपको नजर आती है द रोमांसेस। इट वाज द पीरियड ऑफ द एज ओल्ड, रिमेंबरिंग द एज ओल्ड हीरोज एंड हीरोइंस ऑफ बाईगोन डेज। रोमांस एज द वेरी नेम सजेस्ट, इट इन्वॉल्व्स फार ऑफ थिंग्स, द थिंग्स फ्रॉम पास्ट, स्ट्रेंज लैंड्स, यूज ऑफ इमेजिनेशन, यूज ऑफ नेचर, सुपरनेचुरल, पुरानी चीजें उनको रिवाइव करना, उनको उनके बारे में कहानियां बनाना, उनके बारे में फोक टेल्स बनाना, एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम दीज फोक टेल्स स्टार्टेड डेवलपिंग इनटू अ फुल फॉर्म ऑफ पोएट्री। तो ये हीरोज और हीरोइन
Anglo thi, they were mostly borrowed from Latin and French. French in case of sources the stories of King Arthur, War of Troy, Latin language, Greek, Troy, Odysseus, Athens ki kahaniyan, Thebes ki kahaniyan. तो ये जो इसके अंदर जो एक किसी हद तक रिवाइवल है क्लासिकल लर्निंग का वो भी इसमें नजर आता है बट प्रीडोमिनेंटली जो इसका पहला पीरियड है इट इज फुल ऑफ रोमांसेस जो जिसके अंदर ये चीजें आपको नजर आती हैं फिर इसमें दो बड़ी चीजें डेवलप होती नजर आती जो हमने बाद में लिटरेचर में भी पढ़ी है इसमें एक है द मिरेकल प्लेस और दूसरा मोरलिटी प्लेस द मिरेकल प्लेस हमने नाम बहुत सुना है It is based on the biblical stories. अच्छा, biblical stories की जब मैं बात करूँ, तो एक बात याद रखिएगा कि in the last video I told you when the Anglo-Saxons embraced Christianity, तो Christianity का जो influence है religion का वो इस literature में आहिस्ता-आहिस्ता आना शुरू हो गया था. The literature and the life was richly influenced by Christianity and the teachings of Christianity and the lessons taught by Christianity. तो वो जो एक रिलीजन वाला जो एक इन्फ्लुएंस था इफेक्ट था वो इनके यहाँ थोड़ा गहरा होता हुआ नजर आया सो यू विल फाइंड सम बिब्लिकल स्टोरीज सेक्रेड मैन्स हिस्ट्री मैन्स क्रिएशन इंसान का पैदा होना द लेसन्स एंड द हिम्स एंड द स्टोरीज एंड द थिंग्स टेकन फ्रॉम होली स्क्रिप्चर्स फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट टू न्यू टेस्टामेंट बिब्लिकल वर्सेस का इस्तेमाल हुआ बिब्लिकल स्टोरीज का यूज होना शुरू हो गया इंसान की क्रिएशन की बातें शुरू हो गई तो ये जो इस मिरेकल प्लेस में जो जो डोमिनेंट थीम्स थे ये डोमिनेंट ट्रेंड्स थे वो यही थे बाइबल की स्टोरीज और इंसान की क्रिएशन क्रिएशन से रिलेटेड जो एक स्पिरिचुअलिटी है वो भी इसके साथ एक बड़ा रिचली अटैच की गई दूसरी जो चीज में डेवलप हुई दैट वाज मोरलिटी प्लेस As the very name suggests, and some of the other factors and some of the other traits of morality place suggest that it is about the conflict between goodness and evil, man's position and status in the universe, why was he created, what was the purpose of his creation, why, to what extent man is really proving himself as the next to God. खुदा का खलीफा या एक आप कह लो कि जो उसके जिम्मे काम था वो पूरा कर रहा है नहीं किसी हद तक कुछ कहानियां जो है वो आपको उसमें नजर आ रही है एब्स्ट्रैक्ट वर्चूज गुडनेस की एविल की मोरालिटी की वर्चूज सारी वो वर्चूज विच वर अगेन टेकन फ्रॉम एंड बोरोड फ्रॉम क्रिश्चियनिटी तो एब्स्ट्रैक्ट वर्चूज की प्रीचिंग स्टार्ट हुई इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन नेचर इंसानी नेचर पर एक चीज और बड़ी It came into to surface. कि इंसान की जो nature है, by birth man was born very noble person. तो उसके ऊपर जो influence है nature का, environment का, वो किस तरह से हुआ इंसान में क्या-क्या changes हैं, and what were the effects of those changes, and how man proceeded in life. तो ये चंद चीजें आपको इसमें नजर आएगी. फिर एक बड़ी कमाल चीज इसमें develop हुई, which later on became the whole one of the important genre of English poetry, that was allegory. Allegory, we all know that allegory is such a piece of writing in poetry especially ke jisme hum we find more than one meanings we find double layers of meanings rather sometimes we find triple layers of meaning more than one meanings so allegorical stories humne apparently ye kahani bayan ki jati thi it may be the story of some of the worldly aspect worldly objects but actually it was based on the lessons of morality right to ab ye char ek trends hain jo hame jo initial trends hain jo aur ye wo genre hai jo hame nazar aati hai early jo period hai first 200 plus ke time mein aapko anglo norman period mein actually this age ranges from 1100 to 1500 बट यू फर्स्ट 200-300 ईयर्स की हिस्ट्री उसमें ये चीजें ये इसका एक बैकग्राउंड है एंड हु आर द मेजर राइटर्स लेटर ऑन जो इसमें आए उसमें चार पांच बहुत बड़े नाम हैं उनकी राइटिंग्स हैं विच एक्चुअली प्रूव टू बी वन ऑफ देम एक्चुअली प्रूव टू बी द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री वो कौन है जो कहा जिनके बारे में कहा जाता है कि ही इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री और उनके ऊपर इन्फ्लुएंस उस वक्त के किन लोगों का था
ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। ये जो इसका फर्स्ट हाफ था इस जो हमारी एज का, वो यहाँ खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।